नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्य सुनेजा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल एस बिल्डर एंड कोलैबोरेटर्स के अंदर। जी हां दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए 25 गज का जड़ से मकान, जो कहने को तो 25 गज है, बड़ा जब आप इसकी विजिट करेंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन आपको दिखने वाला है। इसकी बात करते हैं फ्रंट एलिवेशन की। पहले मैं आपको प्रॉपर इसका फ्रंट एलिवेशन समझाना चाहूंगा, फिर इसके बाद आपको प्रॉपर विजिट कराऊंगा। आइए हम आ चुके हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रंट एलिवेशन इसकी जो रोड रहने वाली है 10 फुट की रोड रहने वाली है। मेट्रो की बात करें एकदम सामने आपके मेट्रो कनेक्टिविटी मात्र 500 मीटर की दूरी पे। चलिए देरी ना करते हैं, हम इसकी विजिट कराते हैं। इसके प्रॉपरली आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाया जाएगा। फ्रंट एलिवेशन के अंदर आप देख सकते हैं हमने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का आपको इसके अंदर हम टाइल्स लगा के दे रहे हैं, गोल्डन कलर के इसके अंदर हम आपको हाईलाइटर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ऊपर चलते हैं, इसके स्टेप्स की बात करते हैं। काफी अच्छे इसके हमने 3 स्टेप उठा के मकान बना रखा है। ये क्यों बना रखा है ये बताना चाहूंगा, क्योंकि कल को आपकी मकान की रोड अगर बनती है तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। राइट साइड में हम आपको यहाँ पे प्रॉपरली कार बाइक पार्किंग का स्पेस दे रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपरली आपको यहाँ बाइक पार्किंग मिलने वाला है। आप दिखाइए बारी पार्किंग का स्पेस कि बाइक पार्किंग आपको देने वाले हैं। फिर हम आ चुके हैं अपने गेट की तरफ। गेट के अंदर हम आपको प्रॉपर 2 लॉक लगा के दे रहे हैं, एक नॉर्मल लॉक कुंडी वाला और एक मेन जो लॉक होता है काफी मजबूत लॉक रहने वाला है आपकी सेफ्टी पर्पज के हिसाब से। गेट की बात करें काफी अच्छा इसका फ्रंट का गेट इसका रहने वाला है, काफी अच्छा इसके अंदर हम आपको डिजाइन देने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए ऊपर, हम बात करते हैं ऊपर के डिजाइनिंग की, ऊपर इसका डिजाइन जो काफी शानदार डिजाइन रहने वाला है। हम आ चुके हैं, मैं आपको इसका प्रॉपर पहले लेआउट समझाना चाहूंगा। एंट्री करते सारी राइट साइड में इसकी आपकी आने वाली है स्टेयर्स, लेफ्ट साइड में आने वाली मॉड्यूलर किचन, इसके पीछे रहने वाला एक रूम काफी अच्छा स्पेशियस रूम, और इसके पीछे नीचे सीढ़ियों नीचे रहने वाला वॉशरूम। और हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलने वाली एक किचन, उसके साथ आपको मिलने वाला वॉशरूम, एक अच्छा स्पेस वॉशरूम के साथ साथ आपको बेडरूम का, और ऊपर मिलने वाली आपको रूफ। यह दोस्तों आपको प्रॉपरली इसके बारे में आपको समझाऊंगा, इसकी विजिट कराऊंगा। आइए हम चलते हैं विजिट करते हैं। हम आ चुके हैं, एंट्री करते हैं सर, हमारी लेफ्ट साइड में आती है किचन। किचन की बात करते हैं काफी स्पेशियस किचन है। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं 25 गज के जड़ से मकान में इतनी अच्छा स्पेस कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा एलएस बिल्डर एंड कोलैबोरेटर्स के अंदर। हम आ चुके हैं किचन में, किचन में देखते हैं हम आपको 25 गज के जड़ से मकान में आपको हम चिमनी लगा के देने वाले हैं। प्रॉपर इसके स्पेस के साथ अगर हम बात करते हैं काफी अच्छा, देखिए प्रॉपर इसके अंदर हम आपको स्पेस दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किचन के स्पेस, यहाँ पे हम आपको आरओ की फिटिंग देने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर हर चीज का स्पेस, 25 गज के किचन के अंदर भी आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। प्रॉपर मॉड्यूलर किचन रहने वाली है, यहाँ पे अपना स्पेस के लिए आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस रहने वाला है। ये आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे ड्रॉर्स बना रखे हैं। ड्रॉर्स के कॉम्बिनेशन की बात करें डार्क एंड लाइट, हम आपको मार्बल आपको व्हाइट कलर का मार्बल लगा के दे रहे हैं, डार्क कलर के हम आपको इसके बाकी किचन दे रहे हैं। बात करते हैं इसके टाइल्स की, 4-4 फुट तक इसके हम आपको टाइल्स लगा के दे रहे हैं, व्हाइट कलर की टाइल्स लगा के दे रहे हैं। कल को कोई भी आपको अगर कुछ भी खराब हो जाता है तो इजीली आप साफ कर सकते हैं। इसके अपोजिट हम बात करते हैं काफी अच्छे डिजाइनदार हम आपको टाइल्स लगा के दे रहे हैं। और हम बात करते हैं इसके वॉशिंग की, यहाँ पे आपको टैप्स मिलेंगे, 3 टैप्स दिए जाएंगे और एक आपको टैप्स गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का, एक समरसिबल का। वॉशिंग की जो हम बात करते हैं, जो सिंक मिलता है काफी अच्छा स्पेशियस सिंक मिलने वाला है। 25 गज के ना छत की, जो 25 गज की किचन है काफी अच्छी स्पेस के उसको किचन मिलने वाली है। हम देरी ना करते चलते अपने रूम की तरफ। रूम पे जाने से पहले बताना चाहूंगा, देखिए आपको हमने इतना बढ़ियादार गेट है, ये डबल पल्ले का है पर हम इसको कब्जा लगा के आपको दे रहे हैं और काफी स्पेस के साथ आपको मिलने वाला है। और काफी इसका काम देखिए, काफी स्पेस, काफी अच्छा काम इसमें करा रखा है। अब हम आ चुके हैं बेडरूम के अंदर। बेडरूम का दोस्तों प्रॉपर एक बार आप साइज देखिए, काफी अच्छा साइज दे रखा है। आप देख सकते हैं प्रॉपरली काफी अच्छा साइज मिलने वाला है। यहाँ पे हम आपको प्रॉपर एक टीवी पैनल अच्छा सा लगा के दे रहे हैं, जिसके ड्रॉर्स भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे ड्रॉर्स रहने वाले हैं। अब देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में वॉलपेपर हमने लगा रखा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आपको बढ़िया वॉलपेपर मिलने वाले हैं। अगर हम नीचे की बात करें वेटिफाइड टाइल्स मिलने वाली है, ब्लैक कलर की हम आपको टाइल्स देने वाले हैं। बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड का वॉलपेपर आप जैसा चाहते हैं वैसे हम आपको देने वाले हैं। इसके हम फिर हम टीवी पैनल की बात करें, टीवी पैनल की अगर हम बात करते हैं काफी अच्छे कलर का हम आपको टीवी पैनल लगा के दे रहे हैं। अब हम आ चुके हैं ऊपर फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग का डिजाइन एक बार आप देखेंगे काफी अच्छा फॉल सीलिंग का डिजाइन रहने वाला है। 2 फैंस रहने वाले हैं प्रॉपरली और एक हम आपको झूमर देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम में चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हमने इसका यूटिलाइज किस हिसाब से कर रखा है। वॉशरूम को जो हमने यूटिलाइज कर रखा है, इसको हमने स्लाइडिंग डोर के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं, जो आपको बहुत ही कम मिलेगा। हर चीज को इस हिसाब से यूज कर रखा है कि आपको ऐसा लगे कि रूम आपका कहीं ना कहीं पर वर्थ हो रहा है। आप देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम को एक बार प्रॉपर आपको दिखाया जाएगा, वॉशरूम के अंदर विजिट कराई जाए। वॉशरूम के अंदर हमने आपको 2 तरीके की टाइल्स लगा रखी है, काफी अच्छे आसमानी कलर की टाइल्स मिल रही है आपको, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड में सीट मिलने वाली है, सीट के साथ ही आपको ऊपर शॉवर मिलने वाला है, और तो शॉवर शॉवर के साथ साथ आपको यहाँ पे टैप्स मिलने वाले हैं। जी हाँ साथियों, हम आ चुके हैं अब अपने बाहर रूम की तरफ। वॉशरूम की हमने विजिट करी, आप देख सकते हैं वॉशरूम का स्पेस बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जी हाँ साथियों, अब आप रूम का स्पेस देखिए। रूम के स्पेस की बात करूं, यहाँ पे आपका 6x6 का बेड लग जाएगा।
इजीली 6x6 का बेल्ट लगने के बाद भी यहाँ पे आपकी अलमीरा आराम से इजीली आ सकती है। और तो और बात करें उसके अपोजिट साइड हम आपको टीवी पैनल लगा के देने वाले हैं, उसके बाद भी आपका ना बहुत ही ज्यादा स्पेस बचने वाला है। आपको एक्चुअली यकीन तो नहीं हो रहा होगा कि ये कह रहे होंगे भैया सर ऐसा कह रहे हैं, बट एक्चुअल में नहीं, आप जब विजिट करेंगे आपको खुद लगेगा 25 गज का जड़ से मकान ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। और तो और बात करें इसकी एसी की फिटिंग की, वो भी आपको मिलने वाली है। स्प्लिट एसी की फिटिंग हम आपको करा के दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ओवरऑल काफी अच्छे स्पेस के साथ आपको रूम रहने वाला है। टीवी पैनल दे रहे हैं हम आपको प्रॉपरली, आपको इसके अंदर हम आपको फैंस दे रहे हैं। बैक साइड में बात करते हैं वॉलपेपर दे, मतलब ओवरऑल हर चीज आपको मिलने वाली है। चलो देरी ना करते चलते हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, आइए। जी हाँ साथियों, हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आपने अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर का आपने देखा मेरा प्रॉपरली अच्छे तरीके से लेआउट, आपने स्टेयर्स देखी काफी अच्छी बेहतरीन स्टेयर्स के अंदर हमने लाइट्स लगा रखी है। अब हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, फर्स्ट फ्लोर का मैं आपको एक बार लेआउट समझाना चाहूंगा। फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपको मेरे बैक साइड में किचन दिख रही है, किचन के साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वॉशरूम मिलने वाला है, काफी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम है और साथ में बालकनी अटैच मिलने वाली है। राइट साइड की बात करूँ बेहतरीन अच्छा शानदार बहुत ही अच्छे वॉलपेपर डिजाइनिंग के साथ हम आपको एक रूम देने वाले हैं, काफी अच्छा स्पेशियस रूम रहने वाला है। आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के रूम में और आपको बताते हैं लेआउट। यहाँ पे प्रॉपर आपको एक किचन मिलने वाली है, व्हाइट कलर का मार्बल रहने वाला है आप देख सकते हैं। और मेरे राइट साइड में देखेंगे हमने आपको स्विचेस लगा के दे रहे हैं, स्विचेस के साथ आपको यहाँ पे व्हाइट टाइल मिलने वाली है, व्हाइट टाइल के साथ आपको कॉफी कलर के आपको यहाँ पे डिजाइनिंग टाइल देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं टैप्स की, यहाँ पे आपको 3 टैप्स मिल रहे हैं, एक नॉर्मल हॉट वाटर का, एक कोल्ड वाटर का, एक आपको समरसेबल वाटर का। और हम बात करते हैं यहाँ पे सिंक की, सिंक का स्पेस देखेंगे 25 गज के मकान में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना अच्छा बड़ा सिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस रहने वाला है। और नीचे की स्पेस की बात करूं मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा, एक बार प्रॉपरली इनको नीचे का स्पेस भी दिखाया जाए कि मॉड्यूलर किचन तो नहीं बना के दे रहे बट प्लेन किचन के अंदर भी हमने आपको नीचे तक टाइल्स लगा रखी है। आपने देखा होगा बहुत कम ही आपको ऐसे बिल्डर्स आपको लगा के देते हैं, आपको नीचे प्लेन छोड़ देते हैं, बट हम आपको प्रॉपरली हर चीज की सेफ्टी के हिसाब से और आपका ध्यान रखते हैं आपको प्रॉपर काम करके देते हैं। अब हम आते हैं अपने वॉशरूम की तरफ, वॉशरूम पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको प्रॉपरली मिलेगी यहाँ पे एक बालकनी, वॉशरूम के साथ एक अटैच बालकनी है और राइट साइड में मेरी बालकनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड में मेरा वॉशरूम पड़ेगा। वॉशरूम के अंदर अभी सीट तो नहीं लगी हुई आप देख सकते हैं, बट वॉशरूम के स्पेस की बात करूं आप देखिए थोड़ा सा कि कैमरा मैन एक बार वॉशरूम का स्पेस दिखाया जाए कि कैसे आपको स्पेस दिया जा रहा है। ऊपर टॉप तक टाइल्स आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे से लेके ऊपर टॉप तक आपको टाइल्स मिलने वाली है, आपको प्रॉपरली ऊपर एक लाइट दे रही है, फॉल सीलिंग फोकस लाइट दी जा रही है और राइट साइड में आपको यहाँ पे शावर का फिटिंग दी जा रही है और एक टैप भी मिल रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए कि आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी बालकनी की तरफ, बालकनी का स्पेस देखेंगे 4 फुट की आपकी बालकनी, जी हाँ साथियों 4 फुट की आपकी बालकनी रहने वाली है। राइट साइड में आपको प्रॉपर अच्छा लोहे काम आपको यहाँ पे आपको दे रहे हैं जाली टाइप कि कोई भी मेरे बच्चे या कोई भी ऐसे हो छोटे बच्चे हो जो गिरे ना हो और सेफ्टी पर्पज के हिसाब से। बैक साइड में देखेंगे हमने राइट और लेफ्ट के अंदर दोनों के अंदर हम आपको टाइल्स का अलग सा कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको कॉफी कलर की टाइल्स मिल रही है, काफी अच्छे डिजाइनर टाइल्स मिल रही है, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की टाइल्स मिल रही है। और नीचे की बात करें यहाँ पे आपको ड्रेनिंग पॉइंट दिया जा रहा है, यहाँ वॉशिंग एरिया दिया जाता है, वॉशिंग एरिया के लिए हमने आपको यहाँ पे पावर का भी स्विच दिया गया है। आइए देरी ना करते चलते हैं अपने रूम की तरफ। जी हाँ साथियों, हम आ चुके हैं अपने रूम के अंदर, रूम के अंदर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा काफी अच्छा हमने इसके अंदर आपको गेट दिखा रखा है, आपने देखा है प्रॉपरली अच्छा काफी गेट दे रखा है डेवलपर ने, जैसे नीचे दे रखा था सेम ऊपर भी हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। बैकग्राउंड की बात करें बैकग्राउंड के अंदर बहुत ही शानदार वॉलपेपर हमने इसके अंदर दे रखा है। अब हम बात करते हैं इसके रूम के साइज की, रूम के साइज की अगर हम बात करें 8x12 का, जी हाँ दोस्तों 8x12 और 8x14 का हम आपको रूम का स्पेस दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस दे रहे हैं। नीचे की अगर बात करें प्रॉपर एक बार बताना चाहूंगा नीचे पर नीचे दिखाया जाए कि नीचे हम आपको कैसा लुक दे रहे हैं, काफी अच्छा मार्बल आपको, काफी अच्छे से नीचे टाइल आपको, काफी अच्छे लुक के अंदर काफी अच्छे डिजाइन के अंदर आपको टाइल दी जा रही है। जी हाँ साथियों, प्रॉपरली अच्छे ध्यान रखते हुए अपने क्लाइंट्स को तरफ ध्यान देते हुए हम आपको हर चीज की फैसिलिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई भी मेरे क्लाइंट को किसी तरीके की परेशानी ना उठानी पड़े। अब हम बात करते हैं इसके फॉल्सिलिंग की, फॉल्सिलिंग को मैं आपको डिजाइन बताऊंगा, फॉल्सिलिंग का डिजाइन अगर आप देखेंगे काफी अच्छा शानदार इसका डिजाइन दिया जा रहा है, दोनों रूम के अंदर आपको काफी अच्छा डिजाइन दे रहे हैं, काफी अच्छे हम आपको दोनों रूम के अंदर आपको लुक दी जा रही है। हम इसके अंदर आपको प्रॉपरली आपको फैन भी दे रहे हैं, नीचे भी आपको 2 फैन मिल रहे हैं, ऊपर भी 2 फैन मिल रहे हैं, बहुत सी जगहों पे आपको ये चीजें मिलती रहेगी बट आपको बहुत ही कम जगहों पे ऐसी जगह मिलेगी जहां पे आपको हम दे रहे हैं हर रूम के अंदर एसी। जी हाँ साथियों, दोनों रूम के अंदर आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिल रही है, देख सकते हैं नीचे और रूम में अलग से फिटिंग दी जा रही है, ऊपर रूम में अलग से फिटिंग दी जा रही है। अब हम चलते हैं आपको प्रॉपर दिखाते हैं इसके प्राइस की, प्राइस के आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, प्राइस बताने से पहले, कनेक्टिविटी बताने से पहले, फैसिलिटी बताने से पहले एक बार मैं आपको रूफ भी विजिट कराऊंगा, रूफ भी विजिट करा के मैं आपको प्रॉपर से मैनेज कर दिया ऑप्शन। जी हाँ साथियों, हम रूफ पे आने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से हम आपको यहाँ पे गेट दे रहे हैं, गेट के साथ साथ यहाँ पे हम आपको एज अ इन्वर्टर के लिए स्पेस दिया जा रहा है,
25 गवी में भी आप देख सकते हैं, इतनी सब चीज़ें फैसिलिटीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मिलेगी आपको मेरे पास, क्योंकि मैं आपको हर तरीके से ध्यान रखते हुए आपको बताना चाहूँगा। और आप थोड़ा सा देख रहे होंगे अंधेरा है, पर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने प्यार बनाने के लिए, आपको रात के लिए टाइम में हम आपको वीडियो शूट इसलिए कर रहे हैं, मेरे किसी क्लाइंट को कहीं भी ऐसा ना लगे कि मेरे डे में ही शूट करा जाता है, क्योंकि हर चीज़ ना हर तरीके से दिखाई जानी जरूरी है कि क्लाइंट को ये लगना चाहिए, चाहे दिन में देखा जाए मकान, चाहे रात में देखा जाए, पर मकान की एक अलग से मज़ा आना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे 25 गज का एक जड़ से मकान, काफ़ी शानदार मकान रहने वाला है, मोहन गार्डन की लोकेशन रहने वाली है। कनेक्टिविटी की बात करें, मात्र 500 मीटर की दूरी पर आपको मेट्रो या कनेक्टिविटी मिले, रिक्शे की बात करें बैटरी रिक्शा कनेक्टिविटी मिलने वाली है, हर चीज़ की फैसिलिटीज मिलने वाली है। समरसेबल की बात करें, समरसेबल मिलने वाला है, गैस पाइपलाइन की बात करें, गैस पाइपलाइन भी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आपको नीचे की कि आपको BSS के मीटर लगा के देने वाले हैं, दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिलने वाला है, और बात करते हैं सीवर की, सीवर भी आपको मिलने वाले हैं, मात्र आपको मिलने वाला है, मात्र सिर्फ आपके लिए बंपर ऑफर है, छूट है। जितनी जल्दी हो सके 9991311 पे कॉल करें, मात्र आपको मिलेगा 27 लाख रुपए का, वो भी 25 गज का जड़ से मकान। जी हाँ साथियों, 27 लाख रुपए का 25 गज का जड़ से मकान, जल्दी जल्दी होके बुक करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ साथियों, 25 गज का जड़ से मकान आपको मिलने वाला है, प्रॉपर 2 मंजिल बना के। तब तक के लिए मुझे इजाजत है, आप है तो हम है, हम है तो LS बिल्डर एंड कोलैबोरेटर्स है। जय हिंद दोस्तों।